रजनीकांत के रोबोट का सीक्वल 2.0 का पहला पोस्टर जारी कर दिया गया है। मुंबई के यशराज स्टूडियोज में एक ग्रैंड इवेंट में पोस्टर लॉन्च किया गया। फिल्म में रजनीकांत मुख्य भूमिका में हैं, तो अक्षय कुमार खलनायक की भूमिका में नजर आएंगे। इसके साथ ही एमी जैक्सन भी लीड रोल में नजर आएंगी। अक्षय ने अपने इस फिल्म के पोस्टर को ट्विटर पर भी शेयर किया है। फिल्म में अक्षय के रोल को लेकर लाइसा प्रोडक्शंस ने बताया कि इस किरदार के लिए अक्षय के मेकअप में 6 घंटे का समय लगा। हर दिन अक्षय को 6 घंटे पहले आना होता था ताकि वह समय पर तैयार हो सके। इस फिल्म को 350 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया है। फिल्म में रजनीकांत एक बार फिर वैज्ञानिक वसीगरम की भूमिका में दिखाई देंगे, तो खलनायक बने अक्षय के किरदार का नाम रिचर्ड होगा, जो गलत एक्सपेरिमेंट के कारण कौवा बन जाते हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म को एस शंकर द्वारा निर्देशित किया गया है। वहीं पोस्टर लॉन्च के मौके पर सलमान ने बिन बुलाए मेहमान की तरह पहुंचकर सबको चौंका दिया। सलमान ने कहा कि मुझे बुलाया नहीं गया था, लेकिन यहां आने से मैं खुद को रोक नहीं पाया। तो 3.5 करोड़ की लागत से बन रही फिल्म रोबोट का सीक्वल 2.0 का पहला पोस्टर जारी कर दिया गया है। फिल्म 2017 में सभी सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी। हालांकि अभी तक रिलीज डेट तय नहीं हुई है। देखते रहिए डीबी लाइव।